राधे राधे दोस्तों, आपको फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है डिमना लेक का है, जैसे कि आपने देख लिया है थंबनेल में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका नीचे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। और सामने आप देखिएगा लाइक का बटन है, लाइक को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है स्टार्ट करता हूँ मैं। इस ब्लॉग में आप देख सकते हो जमशेदपुर से पटमदा की ओर जाने वाली जो रोड है, जो आप इसमें यहाँ हाथीघाधा भी जा सकते हो दोस्तों इसी रूट से होते हुए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसे। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्यारा सा व्यू है और पूरा बादल बादल छाया हुआ था उस समय जब हम लोग निकले थे। और देख सकते हैं कि बहुत ही प्राकृतिक नज़ारा है। बहुत बच्चे स्कूल से जा रहे थे और थोड़ा हम लोग रफ्तार से चले आगे की ओर। तो ये जो लेक जा रहा हूँ दोस्तों, हर संडे को बहुत ज़्यादा चलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जमशेद जी टाटा, जो हम लोग का टाटा स्टील है, इस टाटा स्टील को बसने के बाद यहाँ का एक माहौल ही अलग हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा सा। और देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट हो रहे हैं और हम सोचे कि वहाँ पे घुसेंगे, लेकिन दोस्तों अगर हार्ट में घुसते तो शायद मुझे डिमना लेक जाने में देरी होता, तो इसलिए मैं वहाँ रुका नहीं, मैं सीधा आगे निकल गया दोस्तों। तो चलिए पहले आगे चलते हैं, फिर अगर टाइम मिला तो फिर आके हार्ट में घुसूँगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं सामने से ही हार्ट होता है सामने पे ही, और वहाँ मैदान भी है। तो जब भी कोई टूर्नामेंट वगैरह होता है यहाँ पे आके सब लोग टूर्नामेंट खेलते उस मैदान में। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एरिया है, और एक बार आइए आप लोग। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग पहुँच ही गए हैं अब। ये है पूरा डिमना लेक का एरिया है यहाँ से। यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ माउंटेन दिखाई दे रहे हैं और ये खाली मैदान है। सब कोई आप जब आएंगे, मतलब 25 दिसंबर को से बहुत ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे। पूरा यहाँ पे पार्किंग एरिया पूरा जैम रहता है दोस्तों। और अभी भी अब संडे में आएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है दोस्तों, देख सकते हैं। और जस्ट हम लोग यहाँ रुक के कुछ फोटो क्लिपिंग किए दोस्तों, उसका भी मैं व्यू दिखाऊंगा आप सबको। वीडियो में कंटिन्यू बने रहे और आगे का भी व्यू दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कई सारे मैंने वीडियो लिया था, और यहाँ जो हम लोग आए तो इतना अच्छा हवा बह रहा था दोस्तों, और धीरे धीरे बारिश भी उधर से आ रहा था। तो उस समय हम लोग थोड़ा खड़े होकर कुछ फ़ोटो क्लिपिंग किए और चारों ओर का कुछ नज़ारा मैंने आपको आपके सामने इस प्रकार देख सकते हैं आप तो वीडियो पे। इसके बाद मैंने जब बारिश आ गया, देख सकते हो उस साइड में थोड़ा धुंधला पड़ गया था, तो जैसे ही बारिश आया तो हम लोग वहाँ खड़े हो गए, रेनकोट वगैरह पहनने के बाद फ़ोन को अपने पॉकेट में डाल लिया दोस्तों वहाँ। और मैं कुछ ज़्यादा वीडियो क्लिप नहीं ले पाया, फिर मैं हम लोग थोड़ा आगे बड़े बाइक से। और अब देख सकते हो उस साइड में एकदम धुंधला टाइप का दिख रहा है, वो देख सकते हो। बस बारिश स्टार्ट हो ही रहा था तो हम लोग थोड़ा सा देख लिए, देखने के बाद हम लोग तुरंत एकदम पूर्व बरसात से लगा के रेडी हो गए और वहाँ से आगे बढ़े थे। और कुछ देर बाद जाने के बाद एक ठेला लगा था, वहाँ से झालमुड़ी खरीद के देख सकते हैं जैसे कि मैं खा रहा था, और झालमुड़ी लेते हुए मैं आगे बढ़ा और इस जगह पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया मैंने और आप लोग के लिए थोड़ा ब्लॉग लाया हूँ दोस्तों। देख सकते हैं चारों ओर बारिश के बाद का मौसम ही अलग था। तो दोस्तों बस यही है, और कुछ क्लिपिंग वगैरह मैंने लिया था, आप देख सकते हो चारों तरफ बारिश गिर रहा था, हम लोग फिर भी आप लोग के लिए बारिश फ़ोटो शूट किए चारों तरफ, देख सकते हैं बरसाती में रेनकोट पहन के रखा हूँ। और यहाँ का नज़ारा ही अलग है, और आप उस साइड देख सकते हो उस जगह पे दोस्तों, देख सकते हैं ये जो जगह है यहाँ से पूरा जमशेदपुर दिखाई देते हैं, ये जमशेदपुर एरिया है दोस्तों, और उधर से ही हम लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे, ठीक है डिमना लेक,
और ये चारों तरफ आज का नज़ारा ही अलग है। बहुत ही एक दुर्लभ नज़ारा जिसको आप कह सकते हैं। पीछे देख सकते हैं पूरा एकदम बादल जैसे एकदम छाव, चारों तरफ से धुंधला सा दिख रहा है आपको इस साइड में जो दिखाई दे रही है। और ये सीधा आपका रास्ता जाता है हम लोग का, जहाँ लोग इस रास्ते से आए हैं। और ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, एकदम इस जगह पे, इस जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इस जगह पे जमशेदपुर एरिया, हम लोग उस साइड से आके इस एरिया से आते हैं। और सीधा यहाँ आपको थोड़ा सा धुंधला है, इसीलिए क्लियरिटी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आप देख सकते हैं इस जगह पे जमशेदपुर का लोकेशन है। और कई सारे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ठीक सूरज है। और आप उस साइड हम लोग को जाना है, तो उस पूरा लोकेशन को मैं आपको विजिट कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नज़ारा है उसका, जो मैं आपको पूरा इसका कुछ सिनेमेटिक शॉट है मैं आपको इसमें डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और इसका लोकेशन भी मैं डाल दूंगा जरूर इसमें, वो वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे।
गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर कोई नए ब्लॉग के साथ, कोई नए जगह के साथ। और आप इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसका पूरा जो मैं आपका व्यू दिखा रहा हूँ, आप इसको अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। और इस नीचे पे देखिएगा, इस जगह पे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट करना ना भूलें, आपका कमेंट हमें और अच्छा लगता है कि आप कुछ भी कमेंट है, आप एक नॉर्मल सा एक हाई भी कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, बाय बाय।